टोटल धमाल क्रिटिक्स के खराब रिव्यूज के बाद शानदार प्रदर्शन कर रही है। कॉमेडी फ्रेंचाइजी ने 3 दिन में टोटल 62.40 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। इस बिजनेस के साथ यह सबसे बड़ी नॉन हॉलीडे रिलीज बन गई है। फिल्म के कलेक्शन की जानकारी ट्रेड एनालिस्ट करण आदर्श ने अपने ट्विटर अकाउंट पर दी है। उन्होंने लिखा, नॉन हॉलीडे फिल्म होने के बावजूद फिल्म ने 62.40 करोड़ रुपए कमा लिए हैं। अजय देवगन की सिंघम रिटर्न्स 2014 ने वीकेंड में 77.69 करोड़ और गोलमाल अगेन ने 87.60 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फिल्म के प्रदर्शन पर बोले एक सपर्ट्स, इस बारे में ट्रेड एनालिस्ट नरेंद्र गुप्ता कहते हैं, फिल्म ने उम्मीदों से कई गुना बेहतर प्रदर्शन किया है। किसी को भी इस सक्सेस का अनुमान नहीं था। फिल्म ने फैमिली ऑडियंस को काफी अपील किया है, इसलिए लोग फैमिली के साथ इसे देखने के लिए आए और वीकेंड पर इसे हाउसफुल बना दिया। इसमें साफ सुथरी कॉमेडी दिखाई गई है और साथ फिल्म में किड्स को अट्रैक्ट करने वाला कंटेंट भी है। इस फिल्म का टोटल बजट 110 करोड़ रुपए है, जिसमें प्रोडक्शन, प्रिंट और एडवर्टाइजिंग आदि शामिल है। VFX पर पैसा खर्च किया गया है। प्रोड्यूसर पहले से ही सेफ हैं, क्योंकि वे फॉक्स स्टूडियो को फिल्म बेच चुके हैं। जिस तरह से फिल्म चल रही है उसे देखकर लगता है कि यह आसानी से प्रॉफिट में आ जाएगी। इसका ओवरऑल कलेक्शन 150 करोड़ रुपए हो सकता है। दूसरे ट्रेड एनालिस्ट अमोद मेहरा कहते हैं, फिल्म के अप्रत्याशित कलेक्शन ने सभी क्रिटिक को हैरान कर दिया है। हर एक क्रिटिक ने फिल्म को खराब रेटिंग दी थी। हालांकि ऑडियंस किंग है और फिल्म को पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग मिली है। साफ सुथरी कॉमेडी ऑडियंस को पसंद आई है। इसी बीच गली बॉय ने अपने सेकेंड वीकेंड में 112 करोड़ रुपए तक का कलेक्शन कर लिया।